भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ के गोरखपुर में प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बेनीगंज स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ ने सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व उनको सौंपा है उन दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार गौड़, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ ने कहा, कृष्ण कुमार जी से और मंचा सिंह सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर और दीनदयाल जी के माला पर पुष्पांजलि मैं जून 2019 को प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी के द्वारा मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ और उनको मुझ पर भरोसा था और पूर्ण विश्वास था कि यह अपने जनजाति वर्ग में निश्चित तौर पर बढ़िया काम करेगा और लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं अपने समाज की तरफ से पूरे पार्टी को आश्वस्त कराया हूं कि मैं बहुत जिम्मेदारीपूर्ण से अपने समाज के लोगों को सेवा निष्ठापूर्व करूंगा और जोड़ने का काम करूंगा। उनकी हर समस्याओं में, हर पीड़ा में उनके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ा रही है और आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगी जनजातियों के साथ।